इंडिया मार्केट में मारुति सुजुकी की कारों का जलवा अलग ही दिखाई देता है। देश भर में मारुति की गाड़ियों को खूब पसंद किया जाता है। हर महीने मारुति की कोई ना कोई कार सेल के मामले में टॉप पोजीशन पर आ ही जाती है। यही अप्रैल के महीने में भी कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलने वाला है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी अपनी जनरेशन अपडेट न्यू फेसलिफ्ट ऑल्टो को जल्द से जल्द भारत में लॉन्च करने वाली है, जिसको कहा जा रहा है कि भारत में इस कार ने अपने बुकिंग आंकड़े को पहले ही दिन में 10,000 से ज्यादा पार कर लिया है। भारत में ऑल्टो को चाहने वाले बहुत है। ये एक ऐसा विकल्प है जो कि कम कीमत में एक आम इंसान की 5-सीटर कार लेने का सपना पूरा करता है। ऑल्टो हमारे देश में 2005 से बेची जा रही है। 2023 में फाइनली अब इस कार को पुराने लुक से अपडेट करते हुए नई जनरेशन के लिए लाया जा रहा है। यानी आपकी चहेती ऑल्टो कार अब नए अवतार नए लुक के साथ नजर आने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए सबसे पहले बात कर ली जाए भारत में सबसे पॉपुलर और सबसे चर्चात पे चल रही आने वाली नेक्स्ट जनरेशन फेसलिफ्ट ऑल्टो के इंटीरियर और फीचर्स के बाद हाल ही में मारुति सुजुकी ने अपनी ऑल्टो फेसलिफ्ट के टीजर वीडियो को जारी किया है, जिसमें इसके इंटीरियर को देखा आसानी से जा सकता है। भारत में आने वाली ऑल्टो अपने पुराने बोरिंग इंटीरियर के चलते अपने नए डिजाइन और नए लुक के साथ काफी ज्यादा स्टाइलिश नजर आ रही है। इंटीरियर के मामले में ऑल्टो को इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है कि ये भारत की नंबर वन कार भी अप्रैल के महीने में बन सकती है। भारत में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन फेसलिफ्ट ऑल्टो के इंटीरियर की तरफ गौर किया जाए तो देख पा रहे हैं कि इस कार पे आपको एक लोअर डिजाइन देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ डैशबोर्ड में ब्लैक और सिल्वर कॉम्बिनेशन की क्रीज का डिजाइन दिया गया है, जो कि काफी हद तक नेक्स्ट जनरेशन ब्रेजा से मिलता जुलता इस कार में नजर आता है। ऑल्टो को सबसे ज्यादा खास इस कार का लुक और साथ ही साथ कार का डिजाइन भी बनाता है। ऑल्टो के अंदर आपको ऑटोमेटिक अपडेट डिजाइन किए गए नए लुक वाले एसी वेंट्स देखने को मिलते हैं, जिसपे 2.0 पे आधारित प्यूरिफिकेशन सिस्टम ऑप्शन देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, ऑल्टो अपने पुराने सेगमेंट के मुकाबले 8 इंच के टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और वायरलेस कनेक्टिविटी एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले सपोर्ट नेविगेशन सिस्टम यूवीआई कनेक्टिविटी कंट्रोल सिस्टम द्वारा लेस करके लाई गई है। बताया जा रहा है कि इंफोटेनमेंट सिस्टम में 10 से ज्यादा वॉइस कमांड रिकमेंडेशन सिस्टम ऑप्शन देखने को आपको मिलते हैं। यानी वॉइस कमांड से आप फंक्शंस को मजा इस कार को एक्सेस करने का और भी ज्यादा आपके लिए ऑल्टो में काफी अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है। साथ ही साथ आने वाली नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो में वायरलेस चार्जिंग के साथ स्मार्ट चार्जिंग डी प्लगिंग ऑप्शन हारमन्स के 3 साउंड स्पीकर ऑप्शन म्यूजिक सुनने वालों को कार में दीवाना बनाने वाले हैं। कंफर्ट और सीटिंग ऑप्शन की बात करें तो ऑल्टो को पुराने मॉडल के मुकाबले अब नए सीटिंग ऑप्शन के साथ सेटअप दिया गया है। अब इस कार में अपहोल सीट्स का सेक्शन आपको देखने को मिलता है। ये सीटें अपने आरामदायक और गद्दे वाले डिजाइन के साथ आपको कंफर्टली राइड अलॉन्ग ड्राइव और शॉर्ट ड्राइव में देने वाली है। पीछे की तरफ देखा जाए तो ऑल्टो में काफी अच्छा स्पेसेबल लेग रूम दिया गया है। 5 से 6 लोग आसानी से अब ऑल्टो में बैठ के सफर कर सकते हैं, क्योंकि ऑल्टो को पुराने मॉडल से बड़ा जो डिजाइन दिया गया है। साथ ही साथ 14 तरीके से कार की सीटों को फोल्ड किया जा सकता है। एक ही बटन दबा के आप अपने इशारों पे ऑल्टो की सीटों को दाएं बाएं भी घुमा सकते हैं। है ना कमाल की बात। यानी इंटीरियर और फीचर्स के मामले में तो ऑल्टो अब अपनी कार से आगे निकल चुकी है। कई मामलों में आने वाली बजट सेगमेंट की ये कार अपने प्राइस रेंज में इतने खास इंटीरियर और फीचर्स के साथ पहली बार भारत में दिखाई दे रही। याद उगलने हमने भारत में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन फेसलिफ्ट ऑल्टो के इंटीरियर और फीचर्स की बात। याद उगलने हमने भारत में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो के इंटीरियर से लेकर फीचर्स की बात। अब बात कर ली जाए इस कार के एक्सटीरियर के बारे में, जो कि भारत में ऑल्टो को सबसे ज्यादा खास अभी 2023 अप्रैल के महीने में बनाने वाली है। कार को इतना जबरदस्त डिजाइन दिया गया है कि यकीन ही नहीं हो रहा कि 2 से 3 लाख रुपए में बजट सेगमेंट वाली ऑल्टो अपने अंदाज में पहली बार दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि ऑल्टो आने वाले सेगमेंट में अपने नेक्स्ट जनरेशन अवतार फेसलिफ्ट में फ्रंट में आपको LED DRLs के साथ दिखाई देने वाली है। साथ ही साथ कार में LED स्लिक हेडलैम्प सेटअप और नए CA की डिजाइन वाली ग्रिल ऑप्शन का इस्तेमाल इस कार के फ्रंट में किया गया है, जो कि ऑल्टो को काफी हद तक एक हैवी लुक दे रहा है। साथ ही साथ इस कार में फॉग लैंप की प्रणाली भी ऑल्टो को काफी खास भारत में कई कारों के मुकाबले बना रही है। साथ ही साथ बम्पर पे गौर किया जाए तो ऑल्टो के बम्पर को देख पा रहे हैं कितना स्पोर्टी और एक नए क्रीज ऑप्शन के साथ इस कार के बम्पर को काफी ज्यादा एग्रेसिव डिजाइन दिया गया है।
ओवरऑल फ्रंट के लुक के मामले में ऑल्टो अब पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। साइड प्रोफाइल में देखा जाए तो ऑल्टो में अब आप सभी को 16 इंच के अपडेट टायर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जिसमें कम्प्लीफिटेड अलॉय व्हील ऑप्शन का इस्तेमाल भी किया गया है। पुराने मॉडल के कंपैरिजन में ऑल्टो के ये टायर साइज इस कार को एक हैवी लुक के साथ ऑफरोडिंग वाले दीवानों को अपनी तरफ और भी ज्यादा आकर्षक कर रही है। इतना ही नहीं, न्यू हैंडल बार और साथ ही साथ दोनों विंग्स में आपको एक्शन कैमरे की प्रणाली देखने को मिल जाती है, जो कि ऑल्टो को अप्रैल और नए फैसले मॉडल में काफी ज्यादा खास बना देती है। ग्राउंड क्लीयरेंस पे गौर किया जाए तो ऑल्टो को पथरीले रास्ते, उबड़ खाबड़ सड़कों को ध्यान में रखते हुए भारतीय बाजार में और भी ऊंचा डिजाइन दिया गया है, जिसके चलते अब आपके लिए ऑल्टो स्टेबल राइड के साथ बेहतरीन परफॉर्मेंस भी भारत की सड़कों पर और भी ज्यादा दिखाने वाली है। तो आपने देख ही लिया होगा कि ऑल्टो लुक से लेकर अपने फीचर्स के मामले में पुराने मॉडल से कितनी आगे निकल चुकी है। स्मार्ट जमाने के साथ स्मार्ट लोगों के लिए स्मार्ट ऑल्टो अपना अवतार अप्रैल के एंड तक लॉन्च होने वाली है। तो कहा जा रहा है कि कंपनी की तरफ से आने वाली नेक्स्ट जनरेशन फेसलिफ्ट ऑल्टो में आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लेस पेट्रोल विकल्प ऑप्शन देखने को मिलता है। ये कोई मामूली इंजन नहीं है। पावर आउटपुट और कंजम्पशन के मामले में ये कार 82 PSP की मैक्सिमम पावर आउटपुट के साथ 109 Nm का टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखेगी। आने वाली नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो में 5 स्पीड AMT, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन विकल्प ऑप्शन और माइलेज के मामले में 28 से 31 के आसपास पुराने मॉडल से भी ज्यादा माइलेज आपको आपकी चहेती फेसलिफ्ट ऑल्टो में देखने को मिलने वाला है। ना कमाल की बात, यानी बढ़ते पेट्रोल के दाम को चुनौती देते हुए अब ये कार पुराने मॉडल से ज्यादा माइलेज आपके लिए भारत की सड़कों पर देने वाली। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो को जितना खास पुराने मॉडल के मुकाबले नए फेसलिफ्ट मॉडल में डिजाइन किया गया है, उतना ही कार के अंदर आपको सेफ्टी फीचर्स की भरमार देखने को मिलती है। कंपनी की तरफ से ऑल्टो के अंदर पहली बार 10 से ज्यादा नए सेफ्टी रॉम्स को अपडेट किया गया है, जो कि काफी हद तक आपको इस कार में प्रोटेक्ट करने वाली है। सबसे खास बात कि आने वाली नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो को सेकंड जनरेशन हाईटेक प्लेटफॉर्म पर डिजाइन किया गया है। ये वही प्लेटफॉर्म है जिसमें 90% तक स्टेनलेस स्टील से ऑल्टो के सांचे को तैयार किया गया है। ग्लोबल NCP ले लो या फिर क्रिस्टिस मानकों के तहत आने वाली नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो को भारत में 4.9 की रेटिंग के साथ लाया गया है। अब ये कार पुराने मॉडल से ज्यादा और भी आपके लिए मजबूती और कंफर्ट और सुरक्षा के साथ आ चुकी है। सेफ्टी फीचर्स के तौर पे इस कार में आपको पूरे 5 एयरबैग्स के साथ साइड एयरबैग्स की सुविधा मिल जाती है। ABS टेक्नोलॉजी के साथ ABS रियर पार्किंग सेंसर से लेकर स्पीड अलर्ट सिस्टम, 360 डिग्री बैक और फ्रंट कैमरे के साथ IFSO फिक्स्चर लॉकिंग सिस्टम, क्रूज कंट्रोल और बेहतरीन लंबे सेंसरों की लिस्ट के साथ ऑल्टो अपने नए सेफ्टी नॉर्म्स के साथ अपडेट होती हुई भारत में आने वाली है। लॉन्चिंग तथा कीमत की बात कर ली जाए तो मार्केट में नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो की प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप इस कार को 5,000 रुपए के टोकन अमाउंट राशि के साथ घर बैठे ही बुक कर सकते हैं। कीमत की बात कर ली जाए तो भारत में कार को 4 विकल्प ऑप्शन में लॉन्च किया जाएगा। स्टार्टिंग बेस वेरिएंट ऑल्टो नेक्स्ट जनरेशन विकल्प की कीमत 30 लाख रुपीज एक शोरूम प्राइस होने वाली मिलेगा। डायरेक्ट लिंक विजिट करके जानकारी लेकर कार को धड़ल्ले से आज ही बुक कर लीजिए। तो वीडियो को बिना लाइक करे बिल्कुल मत जाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू कारों के अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद।